नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिमल उमराव। इस समय दोपहर का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं इधर बारिश हुई है और दो भाई लोग फार्म पे विजिट करने आए, हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो पहले बाहर जॉब कर रहे थे, इस समय जो है इंडिया आ गए हैं, तो बकरी पालन का काम चालू किया है, साल भर से लगभग कर रहे हैं। और भाई से ही पूछते हैं विदेश में कहाँ बता दीजिए और कहाँ से आए, सारा एड्रेस वगैरह, और इससे पहले क्या करते थे, इस पर कुछ जानकारी दीजिए। मेरा नाम है अब्दुल सलाम, मैं बिंदगी के पास एक गांव है जिगनी, वहाँ से आया हूँ। हम पहले रहते थे सऊदी अरबिया में दम्माम में, हाउस ड्राइवर थे। 11 साल हमने गाड़ी चलाया वहाँ। वहाँ से देखते रहे वीडियो कि मतलब ये सब काम है, अच्छा है, पसंद आ गया, चले आए, अपना यहाँ करने लगे, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप हमसे कैसे जुड़े, मतलब वीडियो देख के? हाँ, वीडियो देख के जुड़े, आपके पास कॉल भी किया था, दो तीन बार मिलने भी आ चुके। आप बहुत अच्छे से मिलते हैं, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, पसंद आया, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बाहर आप रह रहे थे जी, तो मतलब बकरी पालन का आइडिया कैसे आया कि हम जाएंगे वहाँ पे, इंडिया पे जाएंगे तो बकरी पालन करेंगे? यही वीडियो देख के, और वहाँ बहुत दिन, दो दो साल, तीन तीन साल जाए तो गुजारने पड़ते हैं। ये भाऊआ के अपने यहाँ चल के कुछ काम करते हैं, वो हिसाब से जो है तो समझ में आया कि नहीं, यही काम बेहतर रहेगा, क्या करें, किसान आदमी है, किसानी से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया कब आए थे आप? इंडिया आए थे करीब 6 महीना हो गया लगभग। 6 महीना, तो इसका मतलब काम चालू हुए आपको लगभग 6 महीना हो रहा है? नहीं, इससे पहले जाए तो हमारे यहाँ जाए तो बकरी हमने मंगवा लिया था। अच्छा, वहाँ जब विदेश में थे इससे पहले ही? हाँ, मंगवा लिया था, तो अभी तो घर वाले देखते थे, अभी हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी कितनी संख्या होगी लगभग? अभी हमारे पास में 6-7-8 हैं, करीब 8 हैं, बढ़ा रहे हैं रोज का रोज। अच्छा, जैसे आपने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, इसके बाद इंडिया आए, तो अभी यहाँ पे खर्चे के लिए जैसे बकरी पालन, आप चलो एक बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आय के क्या साधन है, मतलब कुछ तो आय का साधन चाहिए यहाँ पे आके? साधन ये है कि घर की खेती है उसको भी करते हैं, और एक ई रिक्शा लिए है उसको चलाते हैं दिन में, तो उससे भी चलता है। तो ये मतलब महसूस होता है कि बकरी पालन के साथ साथ आय का कुछ ना कुछ एक साधन होना चाहिए। जरूरी है, जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता, आय का साधन जरूरी है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ से आने के बाद आपने ई रिक्शा लिया है, तो ई रिक्शा से लगभग मतलब कितना कमाई हो जाती है, कि दिन का खर्चा निकल आता है कितना क्या, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? 4-5 घंटा चलाएंगे तो 500-600 रुपये। अच्छा, काम सही लग रहा है? हाँ, काम सही, कोई मतलब सुबह शाम आपने बकरी का चारा पानी सानी कर लिया और दिन में ई रिक्शा वगैरह चला लिया, जिससे दिन में खर्चा निकल आता है। सुबह 8-9 बजे निकलते हैं, 4 बजे खड़ा कर देते हैं, उसके बाद फिर बकरियों को देख लेते हैं। अच्छा, तो और हमारे फार्म पे आके कैसा क्या लगा? अच्छा लगा फार्म, और बकरियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और हम आज बकरा लेने आए हैं आपका ब्रीडिंग के लिए। तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो भाई हैं वो ब्रीडर को, उनको ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास ब्रीडर नहीं है। अभी हाल ही में जैसा बताया कि 6 महीने पहले इन्होंने काम चालू किया है, और ब्रीडर ना होने की वजह से बकरियाँ हीट पे आती हैं, तो सोच रहे थे थोड़ा बड़ा ब्रीडर होगा तो क्रॉस ब्रीड में बच्चे अच्छे आएंगे, इस वजह से लेने आए हैं। तो ब्रीडर ये जो मेरा है सोजत नस्ल का है, इसको बहुत प्योर तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं भी मार्केट से खरीद के लाया था, लेकिन चूंकि हम लोग जो है क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं, तो क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं, इस वजह से बच्चे थोड़ा ठीक आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से ब्रीडर जो है मैं लेके आया था, तो अभी भाई जो है लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं इनके फार्म पे जो रिजल्ट आता है कैसा क्या आता है इनके बकरियों के साथ, देखेंगे। अभी जो हमारे फार्म पे जो इस ब्रीडर का रिजल्ट है वो यही बच्चे खड़े हैं, एक ये खड़ा है वाइट, एक ये ब्लैक में खड़ा हुआ है, और एक ये इधर बैठा है, एक उधर ये बैठा हुआ है। तो ये पिछली बार के बच्चे हैं जो इसी ब्रीडर के हैं। इसके बाद इसके अलावा एक ब्रीडर हमारे पास और है बरबरी का, जो ऊपर खड़ा हुआ है, तो अभी ये मेरे पास बचेगा। तो लगभग कितने किलोमीटर होगा आपका यहाँ से? 20 किलोमीटर, 18 से 20 है, सही सामने लगा दे। हाँ, टाइट कहीं कहीं से बांध लियो,
एक दाना बहुत अधिक ना धरे हुए नहीं धारे पेट पीना लगी कितने अरे थोड़ा अंजुरी में धद्या वो करे धरे तो बस ज्यादा ना खवाओ आओ सब कुछ खाए दे वो सब कुछ खाई दाना ये ज्यादा हजम नहीं करे पाओ नहीं पेट बढ़ाओ लागी लंबा हो लागी थोड़ा दाना मतलब आई स्वाद है ना जैसे को लेगा तो खाई ला का तैयार दोबारा ना जाए और दे रही खवाए रही कुछ खाए ना हाँ तो वो चीज कुछ ना सोचो तो मैं खा केवल रसरी दे तुम हमें इधर लागा बांध ले अभी पिलवा दियो पुराना होएगा रहा ठीक है अब बांधा है ठीक है बांधा है चला जाए हिसाब से फंदा लगाओ जरूरत पड़ जाए तो एक बार में खुल जाए वो खुल जाए बात सुनिए तुम हाँ कौन गिर गुरा ना जाए सब कुछ सोच के चलाएंगे वो दिन हम दीख तो चिकाओ बांध देते हैं समरे में है ऐसे हिसाब से बांध देते हैं कि चल चला तू खींच ला खट से खुल चला जाइए बहुत आराम से यह है कि थोड़ा ध्यान रखियो घर है जहाँ छोटे बच्चा अच्छा हो उनको मारी आरी ना दे ऐसे उसे रेट दे कहे मारे के पास तो नहीं करे मैं थोड़ा उसी रेट दे नहीं बाकी ठीक है पच्चीस हजार का कहाँ बिक बीस मिल जाए उतने बहुत है 16-15-16 के आसपास मिल सका था 18 ले जाइयो तो तुमको मिली है इसे तुम बेचियो दोनों भी कही रीजन ये रहा था ना अपन इंची कवा सब ले आते हैं तो अंडू की कीमत नहीं देता है खसी की कुर्बानी होगी तुम देख ले वो जो उन बोकरा आए वाले 14-14 हजार रुपए दिया था 15-15 हजार 14-14.5 बस और जबकि बकरा 45 किलो के हैं एक बकरा का वजन 45 किलो है 300 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिल रहे हैं खड़े में ये सीजन में जो है तो थोड़ा सा सस्ता है अब थोड़ा दोबारा आ गए नहीं तो अभी तगड़ा रहा है पहले बकरिया सब गर्मा नहीं रहा है तब वहीं क्या रहा है ला के बारिश के मारे नहलाओ नहीं आएगा आराम से बैठ जाओ इधर अपना तमाम बांधो बांधो चला जाए हाँ चलो भी फोन ना बिनकी आई बे तो बात करिए फोन चली कभी चला चला बिंदा चला छोड़ दे चला जाइए आराम से।